أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. درود بيد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. درس نهج البلاغه आठवां दर्स आज है, और इसमें हमने गुज़श्ता हफ्ते कुरान और अहले बैत के हवाले से मौला के कलाम का आगाज किया था, और उसमें कुरान के फ़ज़ाइल के हवाले से आपके सामने बयान किया था मौला कायनात ने, जो कुरान की फजीलत बयान की है नहजुल बलाग़ा में, वो उसके खुतबात मैंने आपके सामने पेश किए थे, और थोड़ी सी शरह उसकी बाकी थी, और उसके बाद अहले बैत का फ़ज़ाइल से मुंसलिक हैं। उससे पहले कि हम उस खुतबे का और उसका शरह बयान करें, हम अपने गवर्नमेंट यानी जो कलिमातुल क़िसार हैं उनमें से एक कॉल आपके सामने पहले पेश कर दें, ताकि नहजुल बलाग़ा का जो सिलसिला कलिमातुल क़िसार का है वो भी साथ साथ चलता रहे। हम दसवें कॉल तक पहुंच गए थे, ग्यारहवां कॉल जो है वो आज पढ़ना है। इसमें मौला कायनात ने दोस्त के हवाले से बयान फरमाया है कि आज नास यानी वो शख्स लोगों में बहुत ज़्यादा आजिज है और दरमानदा है वो शख्स कि जो अपनी उम्र में कुछ भाई अपने लिए ना हासिल कर सके, और उसके उससे ज़्यादा भी दरमानदा वो शख्स है कि जो पाकर उन्हें खो दे। यानी मौला कायनात फरमा रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि ऐसे ज़िंदगी गुजारे कि उसके दोस्त ज़्यादा हों दुश्मन कम, और आजिज़ शख्स वो है कि जो ज़िंदगी में अपना कोई दोस्त ना बना सके और किसी को अपना गर्विदा ना बना सके। इसलिए कि इसमें कोई इंसान जो है अगर किसी को दोस्त बनाना चाहे तो उसके लिए सिर्फ अखलाक की ज़रूरत होती है, और खुश अखलाकी और कंदा पेशानी से दूसरों को अपनी तरफ इंसान जज्ब कर सकता है, माइल कर सकता है, और शीरीन कलामी अगर आपका कलाम खूबसूरत है और शीरीन है तो वो लोगों को अपनी जानिब माइल कर सकता है, और इसमें कोई दुश्वारी नहीं कि जब इंसान किसी को अगर दोस्त बनाना चाहे तो ताल्लुकात की खुशगवारी को बाकी रखने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि वो लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, और मकसद ये कि इंसान हर एक से खुश खलकी से पेश आए और हमेशा कंधा पेशानी से पेश आए, उससे दोस्तों में इजाफा होता है, कमी वाकई नहीं होती। और हकीकत यह है इंसान जो है मुआशरती हैवान है, इस लिहाज से कि मुआशरे में उसको अकेला तन्हाई पसंद नहीं, बल्कि वो लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है। सबसे पहले तो उसके घर वाले उसके दोस्त हैं, फिर उसके रिश्तेदार हैं, उसके पड़ोसी हैं, अहबाब हैं, उनके साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो दोस्ती जो है वो मौला कह रहे हैं कि इंसान के लिए मुफीद है, और वो शख्स आजीज़ और कमज़ोर है कि जो अपनी ज़िंदगी में कोई दोस्त ना बना सके। अलबत्ता दोस्तों की भी शारहीन ने जो है तशरीह की है कि दोस्त भी तीन किस्म के होते हैं। एक दोस्त जो होता है वो
गिजा की मानिन होता है, एक दोष दवा की मानिन होता है, और तीसरा दोष जो है वो वबा की मानिन होता है। तीन किस्म के दोष मुआशरे में पाए जाते हैं। गिजा की मानिन यानी इंसान जो है जिनके बगैर रह नहीं सकता, जिंदगी नहीं गुजार सकता, जिंदगी उनके लिए मुश्किल है। गिजा जिस तरह इंसान गिजा के बगैर नहीं रह सकता, इस तरह ऐसे दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता जिनसे उनसे खराबदारी। दूसरा दवा की मानिन यानी कि ऐसे भी दोस्त अहबाब होते हैं जो बवक्त ज़रूरत काम आते हैं, या बवक्त ज़रूरत उनके साथ रबता रहता है, वो दवा की मानिन होते हैं। जिस तरह इंसान दवा इस्तेमाल करता है और कभी हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं करता कि जब उसे कोई आर्जा लायक होता है या कोई परेशानी होती है तो वो उस दवा को इस्तेमाल करता है। इसी तरह ऐसे दोस्त भी होते हैं बवक्त ज़रूरत काम आते हैं, उनसे इंसान रबते में रहता है। और तीसरे जो है वो वबा की मानिन होते हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि उनसे दोस्ती रखें लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बायस ज़हमत और बायस तकलीफ बन जाते हैं और उससे भी इंसान के लिए परेशानी का बायस होती है। लिहाजा वो एक बीमारी वबा की मानिन होता है वो दोस्त। लिहाजा इंसान को चाहिए कि हद इतदाल में रहे कि दोस्ती अगर करे तो किसी से ऐसे करे कि जैसे उसे जब भी उसे ज़रूरत हो तो हम उसके काम आए और हमें ज़रूरत हो तो वो हमारे काम आए। सबसे पहला जो दर्जा दोस्ती का है वो अल्लाह ताला से दोस्ती करना। सबसे अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह के रसूल को दोस्त रखना, उनके अहले बैत को दोस्त रखना, ये सबसे आला दर्जा है। इंसान जो है वो इन हस्तियों से अगर दोस्ती रखेगा तो कभी भी नुकसान में नहीं होगा, बल्कि ये तो वो हस्तियां हैं जो गिजा की मानी है। ये अल्लाह से दोस्ती रखने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, रसूल से अहले बैत से दोस्ती के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और अपने घर वालों को दोस्त रखे, अपने वालदैन को दोस्त रखे, अपने बीवी बच्चों को दोस्त रखे इंसान, अपने पड़ोसियों को दोस्त रखे। ये दूसरा मरहला है जब इंसान अल्लाह और रसूल अहले बैत से दोस्ती रखेगा तो अल्लाह ही का हुक्म है, रसूल ही का हुक्म है, अहले बैत का ही हुक्म है कि वो अपने वालदैन के साथ दोस्ती रखे, अपने बीवी बच्चों के साथ दोस्ती रखे, औरत अपने शौहर को दोस्त रखे, बच्चों को दोस्त रखे, इसी तरह पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। तो इससे माशरा एक बेहतरीन इस्लामी माशरा तश्कील पाता है। लिहाजा मौला ने दोस्ती के हवाले से जो बयान किया है तो यही है कि इंसान अगर बाखलाक होगा तो उसके दोस्त ज़्यादा होंगे और बदअखलाक होगा तो दुश्मन ज़्यादा होंगे। क्योंकि हमारा मौजू बहुत तफसीली है लिहाजा हम अपने पिछले मौजू की तरफ चलते हैं। कुरान और अहले बैत के हवाले से मौला ने जो फरमाया गुज़श्ता हफ्ते हमने वो उसको हम तकरार नहीं कर रहे लेकिन थोड़ी सी उसकी शरह बयान करना चाहते हैं कि जिसमें मौला के अनाद ने कुरान के फ़ज़ाइल बयान किए थे और हमने आपके सामने उन फ़ज़ाइल को नुकात की सूरत में बयान किया था कि कुरान जो है वो मौला ने फरमाया था कि सरापा हक है और सच है, कुरान हादी है, कुरान लाअमल है, कुरान बेनियाज करने वाला है, कुरान शिफा है, कुरान हलाकत से बचाने वाला है, कुरान वसीला है, दुआओं का वसीला है, कुरान दोस्त है, कुरान की को पेशा इंसान को नहीं बनाना चाहिए, कुरान जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने का ज़रिया है, कुरान शिफात करने वाला है, कुरान गवाही देने वाला है, कुरान दलील और बुरहान है। और मौला ने फरमाया था कि कुरान जो है नसीहत करने वाला है और कुरान एक अलम है, एक निशानी है और हक और बातिल में फर्क पैदा करने वाला है और कुरान सरापे नूर है और
परवरदिगार आलम ने इसको हिदायत का जरिया करार दिया, जैसे कि परवरदिगार आलम का इरशाद है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रहे बाकी है हुदल्लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है कि जिसे हमने हिदायत के लिए मुत्तकीन के लिए हिदायत, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ज़ालिकल किताब ला रहे बाकी है, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तमाम मौजूदात के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने इसको हकीकत में कुरान में एक जगह और है कि हुदल नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, लिहाजा लेकिन यहाँ पे मखसूस किया है मुत्तकीन के लिए, अल्लाह ताला ने हिदायत के उनके लिए हिदायत है जो मुत्तकीन है। ये किताब जैसा कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है जनाबे मूसा को, जनाब मूसा ने फरमाया कि किताब अनजलना इलैका मुबारकन तदब्बरू, कि ये वो किताब है जिसे हमने आप पर नाजिल किया और ये बाबरकत ताकि लोग उसकी आयात में तदब्बुर और तफक्कुर करें, यानी गौर व फिक्र करें। और अल्लाह ताला ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि ये वो किताब है कि हमने हिदायत के लिए नाजिल की है, मुबारक किताब है, ताकि लोग उसमें गौर व फिक्र कर सकें, हिदायत हासिल करें। तो तफसीर में मौजूद है कि हिदायत दो किस्म की होती है, एक हिदायत हिदायत तकवीनी है और एक हिदायत हिदायत तशरी है। हिदायत तकवीनी यानी तमाम मौजूदात आलम में जो पाई जाती है वो निज़ाम खलकत के ज़रिए के तहत आलम हस्ती के कवानीन की पाबंदी के साथ ये हिदायत खुदा से हासिल की जाती है। लिहाजा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सूरह ताहा आयत का निशान 50 है, इसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि قال رب ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، कि जनाब मूसा फरमाते हैं कि अल्लाह हमारे रब ने हमें अता किया और ये हिदायत है और फिर उसके बाद लोगों को हिदायत की। जनाब मूसा कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हर शय जो है वो अता की और उसके बाद मखलूकात को खल किया और उसको हिदायत की, मखलूकात को हिदायत की। तो हिदायत जो है वो यहाँ पर तमाम मखलूकात से इबारत है, यानी कि उसमें जमादात हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, इंसान हैं, जितनी भी मखलूकात हैं वो सब एक हिदायत के तहत निज़ाम के तहत चल रहे हैं और ये हिदायत तकवीनी कहलाती है जो मौजूदात में मौजूद है, यानी अल्लाह ताला ने उनके वजूद में जो है वो हिदायत लिख दी है। एक हैवान है कि उसको भी शऊर है, एक चूटी जो है एक मुतमद्दिन इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारती है, जाहिर बात है कि उसको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हिदायत तकवीनी दी है। और एक हिदायत हिदायत तशरी है, हिदायत तशरी से मुराद जो अंबिया और कुतुब आसमानी अल्लाह ताला ने नाजिल किए उनके ज़रिए ये हिदायत अंजाम पजीर होती है और नौ इंसान की तालीम तरबियत और से तरक्की की मनाजिले तय करते हुए ये अंबिया के ज़रिए मासूमीन के ज़रिए यह हिदायत दी जाती है। अल्लाह ताला ने कि जैसा कि परदिगार आलम का इरशाद है सूरह अंबिया आयत निशान 73 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलनाहु अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, कि हमने अपने अम्र से जो है हमने हम अपने अम्र से अइम्मा करार दिए और वो हमारे हुक्म से जो है वो हिदायत करते हैं लोगों को।
तो ये हिदायत जो है अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए आइम्मा, आइम्मा से मुराद अंबिया भी हैं और रसूल भी हैं और औलिया भी हैं और मासूमीन अलैहिस्सलाम भी हैं। तो वो हमने अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आइम्मा भेजे जो हमारे हुक्म से जो है लोगों को हिदायत करते हैं। तो यहाँ पे मुत्तकीन से मुराद यानी कि मुत्तकीन के लिए हिदायत मखसूस की है कि जब तक तक्वा का कुछ हिस्सा इंसान मौजूद ना हो उसके लिए कुतुब आसमानी और अंबिया की हिदायत दावत से हिदायत का वसूल महाल होता है। और कुछ हिस्सा से मुराद ये है कि इंसान अक्ल व फितरत की रोशनी में हक को पहचान सके और फिर उसके सामने सर तस्लीम खम कर दे, यानी वो इंसान कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी तक्वा पाया जाता है वो अल्लाह की हिदायत हासिल कर लेगा। यानी इसकी मिसाल मैं ये दे दूं कि इंसान के जब उसका नफ्स पाक व पाकीज़ा होता है तो वो कुरान की दावत को भी कबूल करता है, रसूल की दावत को भी कबूल करता है, इमाम की दावत को भी कबूल करता है। जैसा कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے خدا وہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ کہ امین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا کہ وہ کیا اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ कि अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है और उनका तस्किया नफ्स करता है और उसके बाद फिर किताब व हिकमत की तालीम देता है। यानी इंसान को जब तक कि उसका तस्किया नफ्स ना हो कुरान व अहले बैत या कुरान व हदीस की तालीम जो है उस पर असर नहीं करती। इसकी मिसाल एक इंसान जब खुदा न खास्ता बीमार पड़ता है, इस तरह इंसान का जिस्म बीमार होता है और वो किसी बुखार में मुब्तला होता है तो वो उसके सामने आप बेहतरीन अच्छी से अच्छी मरगूब गिजा जो उसकी पसंदीदा है वो उसके सामने रख दें तो वो उसे कबूल नहीं करता। क्यों कबूल नहीं करता? इसलिए कि उसका उसका जिस्म बीमार है, उसे बुखार है, वो अलील है, लिहाजा वो कभी भी अच्छी चीज़ें जो हैं उसे पसंद नहीं आएंगी और वो कबूल नहीं करेगा। इसी तरह इंसान का नफ्स भी अलील होता है, नफ्स भी बीमार होता है और जब नफ्स बीमार होता है पाक पाकीज़ा नहीं होता या किसी भी शिर्क कुफुर और निफाक या मसलन गुनाह से आलूदा होता है तो वो अच्छी बातें कबूल नहीं करता। यानी कुरान की आयात अगर उसके सामने पढ़ी जाएंगी तो वो उस पर असर नहीं होगा, हदीस रसूल उसके सामने बयान की जाएगी तो उस पर असर नहीं होगा, अगर इमाम का कौल उसके सामने बयान किया जाएगा उस पर असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? इसलिए कि उसका नफ्स बीमार है, उसका नफ्स जो है वो अलील है, लिहाजा वो अच्छी बातें कबूल नहीं करेगा, नसीहत कबूल नहीं करेगा, हिदायत कबूल नहीं करेगा जब तक कि उसका नफ्स पाक व पाकीज़ा ना हो। और जैसा कि परवरदिगार आलम का इरशाद है सूरह वशम में कि वनफ्सी ममा सवाहा फअल्हमहा फुजूरा व तक्वाहा कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि कसम है इस नफ्स की जिसे हमने बनाया और बस हमने इसको इल्हाम कर दिया, इल्का कर दिया कि तक्वे का रास्ता क्या है, इसको फजूर का रास्ता क्या है, कद अफला मन ज़क्काहा और कद खाबा मन दस्साहा, कि जिसने अपने नफ्स को पाक व पाकीज़ा रखा है यानी गुनाहों से बचा के रखा वो कामयाब हुआ और नामुराद हुआ वो शख्स कि जिसने अपने नफ्स को गुनाहों तले दबा दिया। तो ये हिदायत हिदायत तकवीनी और हिदायत तशरीह जिसमें
अल्लाह ताला ने हर मखलूक को जो है वो जो जमादात हैं, जो नबातात हैं, जो हैवानात हैं, उनको तो हिदायत तकवीनी से आरास्ता किया और वो हिदायत पा रहे हैं। एक जर्रा जो है वो भी हिदायत पा रहा है और एक दरख जो है, कोई भी शय जो अल्लाह की है वो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है और अल्लाह की हिदायत तकवीनी से मामूर है और हर वो अपने तमाम उमूर व अंजाम देता है, तो अल्लाह ताला ने शुरू अता किया। इंसान वो हस्ती है कि जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत तश्री के लिए 124,000 अंबिया भेजे और 12 इमा हिदायत के लिए मंसूब किए। लिहाजा कुरान के बाद अगर किसी का दर्जा है और कुरान के बाद किसी की फजीलत है तो वो यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की हो है। लिहाजा क्योंकि अल्लाह ताला ने हिदायत का सिलसिला जारी और सारी रखा बाद पैगंबर भी, तो पैगंबर ने भी दुनिया से जाते वक्त कुरान की भी सिफारिश की और अहले बैत की भी सिफारिश की। हमने आपके सामने गुज़श्ता हफ्ते ये बयान किया था कि कुरान जो है उसके औसाफ मौलाए कायनात की नज़्म बुलाग़ा की शरह में बयान किए थे कि कुरान जो है वो उसके औसाफ क्या हैं। वही औसाफ जो हैं वो अहले बैत के भी औसाफ हैं। जैसे कुरान जो है वो बाइस तकरीम है, बाइस इज्जत है, बाइस शरफ है, इसी तरह अहले बैत भी बाइस तकरीम बाइस शरफ हैं। इस तरह कुरान से वाबस्ता होना ज़रूरी है, इस तरह अहले बैत से होना वाबस्ता ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है और ये भी नहीं कह सकते कि अहले बैत हमारे लिए काफ़ी है। दोनों लाजिम मलजूम हैं, जैसा कि पैगम्बर ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत। अगर तुम इनके साथ वाबस्ता रहोगे, मुतमस्सिक रहोगे, तो हरगिज गुमराह नहीं होगे और ये हौज़े कौसर पर मुझ तक पहुँचेंगे। लिहाजा कुरान के औसाफ़ में जैसे कि मौला ने फरमाया कि कुरान जो है वो सच्चा है और कुरान इसी तरह परवरदिगार आलम ने भी और रसूल ने भी फरमाया कि मैं अहले बैत मेरे सच्चे हैं और इन ये हिदायत जो इनके साथ मुतमस्सिक रहेगा तो हिदायत पाएगा। लिहाजा जिस तरह कुरान सच्चा है, उसका कौल सच्चा है, कौल मासूम भी सच्चा है, कौल अहले बैत भी सच्चा है, इसलिए कि इनकी पाकीज़गी की गवाही कुरान ने दी है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिमा अन्कुम रिज़्ज़ा अहले बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। और दीगार आलम का इरशाद है कि अहले बैत अल्लाह का इरादा है कि तुम्हें वैसे पाक व पाकीज़ा रखे जैसे पाक व पाकीज़ा रखने का हक है। तो जब ये पाक व पाकीज़ा हैं तो सच्चे हैं और सच्चे क्यों ना हों। आए मुबैला अगर आप मुलाहिज़ा करें तो उसमें रसूल किन को ले के गए थे, इन्हीं हस्तियों को ले के गए थे जो सच्चे हैं। और कुरान में कलाम इलाही में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सादिक का लफ्ज़ नहीं, सादिकीन का लफ्ज़ है, यानी पैगंबर का लकब सादिक है, पैगंबर का लकब अमीन है। लेकिन यहाँ पर तस्करा हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, तक़्वा इलाही इख्तियार करो और सादिकीन के हमराह हो जाओ, यानी सादिकीन की पैरवी करो, सादिकीन के हिदायत पर अमल करो। ये यानी मालूम हुआ कि पूरी एक जमात है जो हिदायत करने वाली है, जो सच्चे लोग हैं। वो जमात कौन है? वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सादिक हैं और इनके अव्वल भी सादिक हैं, आखिर भी सादिक हैं, औसत भी सादिक हैं। यानी इमाम जाविद सादिक को भी सादिक है, आले मोहम्मद कहा जाता है। तो पैगम्बर ने फरमाया कि
हमारा पहला भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, कुल के कुल मोहम्मद है। इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि जो कॉल, जैसे मेरा कॉल सच्चा है, इनका कॉल भी सच्चा है। तो ये जिस तरह कुरान मौला ने फरमाया सच्चा है, इस तरह अहले बैत भी सच्चे हैं, जो कुरान गवाही दे रहा है। इसी तरह मौला ने फरमाया कुरान जो है हादी है, हिदायत करने वाला है। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम भी हिदायत करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया लिकुल कौम इन हाद, हर कौम के लिए हमने हादी मुकर्रर किया है। तो बाद पैगंबर जो है वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मिंबरे सलूनी, मिंबरे गदीर पर जब पैगंबर ने ऐलान कर दिया मन कुंत तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। तो मौला के मानी क्या है? सरप्रस्त के। मौला के माने खुदा के बाद जिसके हुक्म पर अमल किया जाए। अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो ये कुरान और हदीस से साबित है कि मौलाए कायनात की ज़ात बाद पैगंबर हमारे लिए हादी बरहक हैं और इमाम अव्वल हैं, कि जिनकी हिदायत जो है वो बाद पैगंबर जारी रही, और नहीं जो बलागा उसकी बयान सबूत है कि जिसमें मौलाए कायनात ने खुतबात के ज़रिए लोगों की हिदायत की, लोगों को नसीहत की, लोगों को राय रास पर, राय मुस्तकीम पर बाकी रखने का हुक्म दिया, तकवे का हुक्म दिया, और खुदा और रसूल के पर ईमान पर कारबंद रहने का हुक्म दिया। यही अहले बैत के सबसे पहले इमाम है। और मौला ने फरमाया कि कुरान जिस तरह बेनियाज करने वाला है, कुरान अगर इंसान कुरान से इस्तिफादा कर ले, कुरान से हिदायत हासिल कर ले, तो किसी और किताब से या किसी और हुक्म से उसको ज़रूरत नहीं है कि वो रुजू करे। लिहाजा जो कुरान जो है वो निचोड़ है तमाम कुतुब का। कुतुब आसमानी आपको मालूम है कि चार जो मशहूर कुतुब हैं वो चार हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान है। लिहाजा कुरान में इन तमाम कुतुब आसमानी का निचोड़ है। जिस तरह फूलों को अगर एक जगह उनकी खुशबू को जमा कर लिया जाए तो इतर बन जाता है, तो इतर किसी शीशी में महफूज कर लिया जाता है, इसी तरह तमाम आसमानी कुतुब के मफाहिम और मतालिब को अल्लाह ताला ने कुरान में जमा कर दिया। लिहाजा अब इसके अलावा कोई किताब जो है हमारी हिदायत के लिए नहीं, बल्कि यही किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है, ला रैबा फी है, और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम जो है वो भी, उनसे अगर इंसान वाबस्ता हो जाए तो वो भी दूसरों से बेनियाज हो जाता है, यानी फिर उनको किसी और हादी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पैगम्बर की सिफारिश, पैगम्बर का हुक्म है कि इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। तो मौला अली को कहा कि या अली तुम्हारे मिसाल काबे की है, काबा खुद कहीं नहीं जाता, लोग काबे की जानिब रुजू करते हैं, लिहाजा हम अल्लाह ने और रसूल ने हुक्म दिया कि अली के किसी भी मामले में, किसी भी मुश्किलात में अगर रुजू करना है तो अली के साथ रुजू किया जाए। और अली जो है सही हादी है, और अगर अली से वाबस्ता हो जाओ तो फिर किसी और हर शख्स से इंसान बेनियाज हो जाता है, यानी कि खुदा और रसूल के बाद। मौला ने फरमाया कि कुरान वसीला है, वसीला यानी कि अल्लाह तक पहुंचने का जरिया, हिदायत तक पहुंचने का जरिया कुरान है। और खुद परवरदिगार आलम ने भी इरशाद फरमाया वक्त हो इलाह वसीला, मुझ तक अगर पहुँचना चाहते हो तो वसीले के जरिए पहुँचो। वसीला क्या है? जरिया है। अब अल्लाह तक पहुँचने का जरिया क्या है? कोई सवारी है, कोई हवाई जहाज है, कोई और है, क्या हम उस पर बैठेंगे अल्लाह तक पहुँच जाएंगे? ऐसा नहीं।
बल्कि अल्लाह की हिदायत अगर हासिल कर लेंगे, कुरान और रसूल और अहले बैत से वाबस्ता हो जाएंगे, तो जो हुक्म कुरान का है, जो अहले बैत का हुक्म है, उसके जरिए हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। यानी कि हम खुद इतनी सलाहियत नहीं रखते कि बराए रास्त अल्लाह से रब्ता कर लें, अल्लाह तक पहुंच जाए, बल्कि हम अल्लाह का कुर्ब अगर हासिल करना चाहते हैं तो उन हस्तियों का कुर्ब हासिल कर लें जो अल्लाह से करीब है, वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिनके जरिए अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अब इनसे अगर वाबस्ता हो जाए तो हमें किसी और हादी की जरूरत या रहनुमा की जरूरत नहीं है। मौला ने फरमाया कुरान शिफा है, कुरान जो है शिफा है, हर रिस्क हर बीमारी से शिफा है। मिसाल के तौर पर शिर्क, गुमराही, हलाकत, कुफ्र, निफाक, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे इंसान जो शिफा हासिल कर सकता है वो कुरान के जरिए। और अहले बैत का जिक्र भी शिफा है, अहले बैत का जिक्र करना शिफा है, अहले बैत का शिफा है। और ये वो हस्तियां हैं कि मौला अली के बारे में तो फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आयतुल्लाह सैयद अली नक़्क़न साहब फरमाया करते थे कि दुनिया तो इसके मानी नहीं समझेगी, दुनिया तो ये इतराज़ करती है क्या मखलूक के चेहरे को देखना इबादत हो सकता है। वो फरमाया करते थे क्या कुरान मखलूक इलाही है या नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक है या नहीं, और कुरान जो है क्या कुरान के हुरूफ पर नज़र करना इबादत है या नहीं, कुरान की तिलावत करना इबादत है या नहीं, कुरान की तिलावत को सुनना इबादत है या नहीं। ज़रा इंसान गौर करे कि कुरान को जो कि लफ्जी तर्जुमा है उसको देखना तो इबादत है, उसको सुनना, उसके कलाम को सुनना इबादत है, उसको तिलावत करना तो इबादत है। जिस तरह कुरान के हुरूफ को देखना इबादत है, इस तरह इनके चेहरे को देखना भी इबादत है। जिस तरह कुरान की तिलावत करना इबादत है, इस तरह इनकी जिक्र को करना भी इबादत है। जिस तरह कुरान के जिक्र को या कुरान की तिलावत को सुनना इबादत है, इस तरह इनकी मजलिस से जिक्र को सुनना भी इबादत है। लिहाजा इस तरह कुरान शिफा है, कुरान का जिक्र शिफा है, इस तरह इन अहले बैत का जिक्र भी शिफा है। और मौला ने फरमाया कि कुरान दोस्त है, कुरान दोस्त अभी मैंने बताया कि दोस्त जो होता है वो गिजा की मानिन होता है, दवा की मानिन होता है। लिहाजा कुरान भी हमारे लिए, कुरान की जिस तरह इंसान गिजा के बगैर नहीं रह सकता, एक मुसलमान कुरान के बगैर नहीं रह सकता, और इसी तरह एक मुसलमान एक मोमिन अहले बैत के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए पैगंबर दुनिया से जाते हुए इन दोनों चीज़ों में मुतमस्सिक होने का हुक्म दे रहे हैं, कुरान और अहले बैत। तो जो कुरान को दोस्त रखेगा वो अहले बैत को दोस्त रखेगा, तो अहले बैत को दोस्त रखेगा वो कुरान को दोस्त रखेगा। फिर मौला ने फरमाया कि कुरान तवज्जो इल्लाह है, यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने वाला है। जब हम कलाम इलाही की तलावत करते हैं तो जिक्र इलाही होता है, यानी कुरान का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। इसी तरह अहले बैत का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। हम अहले बैत के जिक्र मजलिस से जिक्र में बैठते हैं तो अल्लाह हमें याद आता है, अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जे होते हैं। फिर मौला ने फरमाया कि कुरान दलील और बुरहान है। ये नहीं बुलाएगा कि जो पिछला खुतबा है उसकी शरह में बयान कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं कुरान दलील और बुरहान है, तो इसी तरह अहले बैत भी दलील और बुरहान है। रूए जमीन पर अल्लाह की दलील है, हुज्जत है। अहले बैत भी कुरान
कुरान अहले बैत, जिस तरह कुरान दलील है इस तरह अहले बैत भी दलील हैं। और हजरत ने फरमाया कि कुरान नसीहत करने वाला है, लोगों को नसीहत करने वाला है। नसीहत के माने खैर ख्वाही, यानी कुरान हमारी खैर ख्वाही चाहता है। अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत सुने, तो कुरान जो है हमारे लिए खैर ही खैर है, सराफे खैर है, नसीहत करने वाला है। इसी तरह अहले बैत भी नसीहत करने वाले हैं, अहले बैत भी हमारे लिए बाइस वसीयत और नसीहत हैं, यानी जो हमारी खैर ख्वाही चाहते हैं। अगर हम इनसे वाबस्ता हो जाएंगे तो खैर ही खैर हमारे लिए अल्लाह ताला हमें अता करेगा। इसी में फरमाया मौला ने कुरान कुरान जो है निशानी है, कुरान अलम है, निशानी है, यानी सिंबल है। एक इंसान का जो है स्लोगन होता है, नारा होता है, एक निशानी होती है कि जिससे इंसान की पहचान होती है। तो कुरान जो है जिस तरह एक मुल्क का झंडा होता है उससे पहचान होती है, कुरान हमारे लिए एक पहचान है, एक निशानी है। इस तरह अहले बैत भी हमारे लिए एक निशानी, एक अलम है। निशानी, अलम किसे कहते हैं? निशानी को, झंडा जो हिदायत का झंडा है, जो हिदायत का मीनारा है। अहले बैत हमारे लिए, अहले तशय्यो के लिए, अहले इस्लाम के जरिए लिए हिदायत भी है और हमारे लिए हिदायत का अलम भी है, हिदायत की निशानी भी है, हिदायत का झंडा भी है। और हजरत ने फरमाया कि कुरान हक को बातिल में फर्क पैदा करता है, जिसको फुरकान कहा जाता है। फुरकान के माने हक को बातिल में तमीज करने वाला। कुरान के एक माने फुरकान के भी हैं, उसके माने हक को बातिल तमीज पैदा करना। लिहाजा जिस तरह कुरान जो है वो हक को बातिल में तमीज पैदा करता है, इस तरह अहले बैत की जात हस्तियां जो हैं वो भी हमारे लिए हक को बातिल का नमूना, यानी कि हक और बातिल पहचान किससे होती है? इन्हीं हस्तियों के जरिए। क्योंकि खुद पैगंबर ने फरमाया अल अली व माल हक व हक को मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो जहां अली होंगे वहां हक होगा, लिहाजा जो के अलावा जो होता है वो बातिल होता है। तो हम अहले बैत जो है वो भी हक व बातिल में तमीज पैदा करने वाले हैं। उनकी जात जो है वो हक है और उनके दुश्मन जो हैं बातिल पर हैं। हजरत ने फरमाया कि कुरान सरापे नूर है, कुरान सरापे नूर है। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम भी सरापे नूर हैं। इसलिए कि परवरदिगार आलम का इरशाद है कि हमने एक नूर नूर भेजा और एक किताब नाज़िल की लोगों के लिए। तो नूर अलग है, किताब अलग है। नूर यानी कि पैगंबर की जात है और अहले बैत अलैहिस्सलाम जो कि उनकी नस्ल से हैं, लिहाजा वो भी सराप है, हिदायत है, नूर हिदायत है। पैगंबर नूर हिदायत है और अहले बैत भी नूर हिदायत है। जिस तरह कुरान सराप है नूर है, इस तरह अहले बैत भी सराप है नूर है। लिहाजा कुरान और अहले बैत के हवाले से जो आपके सामने हमने मुख्तसर सी जो शरह बयान की, उसका खुलासा ये है कि इंसान को चाहिए कि पैगंबर के अहकामात पे अमल करने में सबसे अफजल अमल क्या है, ये कुरान से वाबस्ता रहे और अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे। इसलिए कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कानून है और अहले बैत जो है कानून दान है। जिस तरह कुरान जो है एक मकाम पर मैंने अर्ज किया कि कुरान जो है वो तमाम कुतुब आसमानी का निचोड़ है, अत्र है, अत्र खुशबू है। इस तरह अहले बैत भी खुशबू की मानिंद है।
और इत्रत के एक माने भी खुशबू के हैं, यानी जिस तरह कुरान खुशबू खुशबूदार है, इस तरह अहले बैत भी खुशबूदार। अब खुशबू की खासियत यह है कि वो नजर नहीं आती, महसूस होती है। खुशबू नजर नहीं आती, महसूस होती है। तो कुरान के जो मफाहिम और मतालिब जो हैं, वो इंसान अगर हासिल करना चाहता है, उसकी खुशबू हासिल करना चाहता है, तो कलाम इलाही की तिलावत करे तो खुशबू हासिल होगी। अहले बैत भी चूंकि इत्रत हैं, खुशबू हैं, लिहाजा खुशबू अगर जाहिर हो, जाहिर से मुराद ये कि फूलों की शक्ल में है, गुलदस्ते की शक्ल में है तो नजर आती है, लेकिन उसके अंदर जो खुशबू होती है वो महसूस नहीं है, महसूस होती है। तो अहले बैत की भी हिदायत अगर जाहिर बज़ाहिर हो, जब वो हयात थे, उनके बस हयात ज़ाहिरी थे उस ज़माने में, लोगों ने उनसे हिदायत की। अब हादी चूंकि पर्दा गैब में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी खुशबू महसूस होती है, चारों सू फैली हुई है, उसका नूर चारों सू फैला हुआ है, और वो हमारे लिए हिदायत का बायस हिदायत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने से किसी ने जब पूछा कि जब ना रसूलल्लाह जब बारवां आपका गैबत में होगा तो हिदायत कैसे करेगा, आपने फरमाया कि जिस तरह सूरज बादलों में रहकर भी रोशनी देता है, इस तरह हमारा बारवां गैबत में रहकर भी लोगों की हिदायत करेगा। वाखर दावाना अनिलहमदुल्ला। कुछ सवाल हो तो हाजिर है, क्योंकि मैंने इसीलिए 10 मिनट पहले ख़त्म कर दिया है। तो अगर कोई, क्योंकि आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स इतने